फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल JBC। मैं शिवशंकर सिंह, आप लोगों का दोस्त। और आज हम लोग चैप्टर 8.2 का लास्ट सवाल यानी चौथा सवाल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो बस सत्य असत्य बताना है और ए बी का जो या थीटा का मान रहेगा वो अपने से लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल को। हम लोग पहला सवाल क्या देखिए, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये हम लोगों का सवाल हो गया पहला। ये देखिए हम लोगों का पहला सवाल है, तो चलिए हल करते हैं। अब मान लीजिए साइन ए का मान कुछ भी रख सकते हैं, बी का मान कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा मान रखें जिसका कोई रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग रखते हैं साइन ए का मान, यहाँ अपने से मान लेते हैं, माना ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री मानिए तो कितना हो जाए, 75 डिग्री हो जाए। 75 नहीं मानिए आप, इसको आप 60 मान लीजिए। मान लीजिए 60 डिग्री है, ये आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ऐसा मानना, ऐसा मतलब कि इसलिए मान रहे हैं इसको 60, 45 मानते तो इसका भी मान 45 रखना पड़ता, या आप इसको दोनों को 45 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 60 मान लेते हैं और बीच को मान लीजिए 30 है आपका। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो मान लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे LHS ले लीजिए, LHS क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यही है साइन ए प्लस बी हो जाएगा बराबर। तो ए का मान, साइन ए का मान कितना है 60 डिग्री, बी का मान कितना हो गया 30 डिग्री, कितना आ जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन का मान कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, और साइन 90 का मान कितना होता है एक होता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है ना। अब चलिए दूसरा वाला RHS लेते हैं। तो RHS बराबर कितना है साइन ए प्लस साइन बी, ये हो गया साइन ए प्लस साइन बी। मान रखिए इसका कितना होगा, देखिए ये मान हो जाएगा आपका साइन ए का मान कितना है 60 डिग्री प्लस साइन बी का मान कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री। क्लियर यहाँ तक? अब क्या करते हैं कि साइन 60 का मान कितना हो जाएगा √3/2, साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा √3 + 1/2 आ जाएगा इतना। क्या LHS बराबर RHS है? नहीं है ना, देख रहे हैं यहाँ पर LHS का मान कितना आ रहा है 90 डिग्री और RHS का मान इतना आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे LHS LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, इसलिए क्या है सत्य नहीं है, ये क्या हो जाएगा सत्य नहीं रहे होगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है ना, क्लियर। देखिए अगला सवाल, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका चौथे का दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं माना, अब इसको मानते जाएंगे, माना थीटा बराबर 0 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन 0 बराबर कितना हो जाएगा 0, और थीटा बराबर मान लीजिए 30 डिग्री है, तो साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 1/2, थीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन 45 डिग्री, मान कितना होता है 1/2 हो जाएगा। और उसके बाद थीटा बराबर मान लीजिए 60 डिग्री है, थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 हो जाएगा, और थीटा बराबर मान लीजिए 90 डिग्री है। आप चाहे तो एक दो में ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री, मान कितना आ जाएगा 1। तो देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं आप, मान इसका कैसा हो रहा है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मान क्या हो रहा है, ये एरो का मतलब ऊपर एरो का मतलब ये बढ़ रहा है, तो देख रहे हैं ना मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा थीटा में वृद्धि के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है, यानी ये क्या है सत्य है। क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो जैसे मैंने आपको साइन थीटा वाला मान बताया था वैसे ही आपको इसको हल करना, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप लोग अपने से हल करिएगा। क्लियर है ना, इसको अपने से हल कर लेंगे। चलिए इसको भी बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर ये रखते हैं माना थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री,
तो कास जीरो का मान होता है एक, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो कास 30 का मान कितना होता है एक होता है इसका √3/2 होता है। फिर थीटा बराबर मान लीजिए 45 डिग्री है, तो कास 45 का मान कितना होता है, कास 45 बराबर होता है 1/√2। थीटा बराबर मान लीजिए कितना हो जाए 60 डिग्री, तो कास थीटा बराबर क्या 60 बराबर कितना हो जाएगा 1/2। और थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो जाए तो कास 90 डिग्री का मान कितना होता है एक होता है। तो देख रहे हैं कि सॉरी जीरो होता है। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है तो कास का मान क्या हो रहा है कंस्टेंटली कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो बोला है कि थीटा में वृद्धि के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य है। क्लियर है, ठीक है। हमारा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो कुछ नहीं करना है वैसे ही मानते जाना है। अब मानिए मान लीजिए कि क्या है कि थीटा बराबर जीरो डिग्री, थीटा बराबर जीरो डिग्री, तो साइन जीरो डिग्री बराबर कॉस जीरो डिग्री। ठीक है, साइन जीरो का मान कितना होता है एक होता जीरो होता है, कास जीरो का मान कितना होता है एक होता है, तो नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है। अब थीटा बराबर मान लीजिए 30 डिग्री हो जाए, तो साइन 30 डिग्री बराबर कास 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, और कास 30 डिग्री का मान होता है √3/2, मान बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाइए थीटा बराबर 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री बराबर कास 45 डिग्री क्या हो जाएगा, दोनों का मान √3/1/√2 होता है। तो केवल इकलौता मान यही है 45 डिग्री का, जहां पर कि साइन और बराबर कास होता है, नहीं तो अन्य मान के लिए समान नहीं है। आगे के कोई आप कर सकते हैं जो 60 डिग्री 90 डिग्री उसको आप लोग अपने से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,